Hello friends, this is Zin Prakash and I'm Aarti Mali from Dazzling Dance Studio and Fitness Center. So guys, as you all can see that he's driving, and just to inform you that we are moving towards Kaira Tirthani's house to meet her. As I hope you all know who is Kaira Tirthani. Our little princess. And she is our brand ambassador, our event brand ambassador of Dazzling Dance Studio. So guys, I am very much excited to meet our little princess Kaira Tirthani, the ambassador of our event and the first winner of the talent show. The Kids Talent Hunt show, first part of which was Fashion Walk. She is a winner of that as well. So we are super excited to meet her as well as her family. Just to know the experience and all. So keep watching, keep following us, stay in tune. Thank you. कंटिन्यू कीजिए सर, सेकंड। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आज हम यहाँ बैठे हैं कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आप सभी लोगों के साथ, कि जो प्रकाश माली जी ने ऑनलाइन कॉन्टेस्ट कैटवॉक का जो ऑर्गेनाइज किया था, तो क्या रहा उसका हमारा एक्सपीरियंस, वो हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और हम थैंक्स भी देना चाहते हैं उनको, जिन्होंने इतना अच्छा आइडिया रखा सबके सामने और बच्चों को अपना हुनर सामने आने का मौका दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हुआ था, इसमें हमारी बिटिया कायरा ने फर्स्ट प्राइज़ जीता था और हमें खुद को नहीं पता था ये चीज़ कि कायरा इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। रीमा, क्या बोलना चाहोगे? बस मैं आप सबको इतना बताना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से, जैसे प्रकाश सर ने एक कंपटीशन रखा ऑनलाइन का कंपटीशन रखा, जैसे मॉडलिंग का, फैशन शो का, हमें खुद को नहीं पता थी ये चीज़ कि कायरा में ये टैलेंट है। मुझे तो यही लगता कि मेरी बच्ची 5 साल की है, अभी छोटी है, बट सर ने कॉन्टेस्ट का, उन्होंने मुझे बोला नहीं भाभी आप ट्राई करवाइए, मैंने उसको ट्राई करा, उसे इतना अच्छा वॉक किया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कायरा को किसी ने नहीं सिखाया, उसने खुद अपना मोबाइल देकर ये सब चीज़ें खुद सीखकर की। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि मैंने इस कॉन्टेस्ट में काफ़ी मेहनत की। आपने पूरा देखा होगा सेट, वो सेट पूरा मैंने खुद रेडी किया, जैसे का उसका ड्रेस था मैंने अपने हाथों से बनाया, और उसके जो भी फ्लावर्स थे, बास्केट्स, जितनी भी चीज़ें आपने देखी सब हाथ की थी, और कम से कम अमाउंट में। ऐसा नहीं कि अपन सब मार्केट से ला रहे हैं बहुत सारा लग रहा है नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने हर चीज़ अपने हाथ से बनाई। सबसे फर्स्ट बात कि आपका बच्चा इरिटेट नहीं हो रहा था। कायरा को हमने ये सब कुछ 20 से 25 बार करवाया, उस बच्ची ने एक बार ना नहीं, इरिटेट नहीं, और पूरा हर चीज़ कॉन्फिडेंस से किया। तो मैं ये सब आपको सबको मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे में देखें जो टैलेंट है, और ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो भी आप मार्केट से लगा रहे, नहीं, क्रिएटिविटी दिखाई, वही सब कुछ मैंने इस शो में दिखाया। और मुझे क्रेज था इन सब चीज़ों का कि मुझे अपनी बच्ची को आगे लेके जाना है। और सबसे बड़ा बच्चा कि बच्चे में सब कुछ हुनर होते हैं, तो आप उनको बच्चे को आगे लेके जाइए। बस मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी कि आप अपने बच्चे का हुनर देखिए और उसको आगे लेके जाइए। और कायरा के साथ में इतना मतलब मुझे मेहनत करने की नीड नहीं रही। सबसे बड़ी बात इनका सबसे बड़ा सपोर्ट, और मेरी फैमिली में मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। मैं भी घर की बहू हूँ, पर उन सब का इतना अच्छा सपोर्ट था कि मैंने हर चीज़ बहुत ही ईजीली करी। बच्चे का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट और अपने हस्बैंड का सपोर्ट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा माध्यम है,
बहुत अच्छा बच्चों के लिए चांस है और हमें इसका पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए। और मैं भी सभी बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि वो भी इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, उनमें भाग लें। उनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि बच्चों को, उनको पहचानें, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाएं और उनको एक नया रास्ता दिखाएं। जय श्री रही। और मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर ने हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कायरा के लिए, कि मुझे पता पड़ा कि मेरे बच्चे में इतना बड़ा हुनर है कि वो वॉक कर सकती है। मुझे मालूम थोड़ी था कि वो वॉक कर सकती है। उसने वॉक किया, मैंने क्रिएटिंग की, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। ये सब काम एक जने का नहीं, पूरी फैमिली का, आपके बच्चे का और हमारे सर का, सबका मिलके काम होता है, तभी जाके कोई चीज़ आगे जाती है। तो मैं आप सबको इतना सा मैसेज दूंगी, अगर आपके बच्चे में थोड़ा सा भी हुनर है तो आप उसको आगे जाइए। और सबसे पहली बात, हमारा बच्चा बड़े होने के बाद बाहर जाता है खंडवा से, तो कभी उसको ये ना लगना चाहिए कि मैं छोटी सिटी से बिलोंग करता हूँ। उसको आप हर चीज़ में एक्टिव कीजिए, वॉक हो गया, डांस हो गया, स्टडी हो गई, हर चीज़ में उसको आप एक्टिव कीजिए। बेस्ट है, आप उसको आगे लेके जाइए, वो आगे आपको सपोर्ट करेगा। बच्चा सपोर्ट करता है, पर पहले पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है। और ये जो क्रिएटिविटी है, तो आप आजकल सब कुछ सब कर ही लेते हैं ना, ठीक है। थैंक यू हरीश भैया, थैंक यू रीमा भाभी, थैंक यू सर। ओ बहुत अच्छी बात बोली आपने कि पेरेंट्स का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपको क्या कायरा में चेंजेस दिखे हैं इस कॉन्टेस्ट को विन करने के बाद, और उसकी जो फीलिंग थी, एक क्यूटनेस बोलते हैं ना, क्यूटनेस फीलिंग वाली, यस मैंने जीता, मैंने प्राइज लिया, तो वो आपको कैसा लगा, उसमें उसके चेंजेस थोड़ा सा मुझे आप बताएं। जी बिल्कुल सर, मैं आपको इतना सा बताना चाहूँगी, सबसे फर्स्ट जब वो वीडियो बनाती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है पहले से, जब से उसने स्टार्टिंग से, फर्स्ट मुझे याद है जो उसने मॉडलिंग करा उसके बाद, और अब जो मैं उसकी बनाती हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस ही हर चीज़ बोलना, हाँ, और बहुत इजी वे में सब कुछ करना, और उसको बहुत खुशी होती है। वो बार बार अपना वॉक देखती है, बोलती मम्मा मम्मा ये चलाओ, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। आपका बच्चा आगे जाता है, और अगर आपके बच्चे को कुछ भी आता है, अगर उसको स्टॉप कर दे तो आपका बच्चा आगे नहीं जाता। ये उसके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर था, और मैं खुद को नहीं पता था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये तो आपने एक आयोजन किया, कॉम्पिटिशन किया, और हमने देखा चलो ठीक है यार, तो 5 साल की जहाँ से करेगी, लेकिन हमने फिर भी उसको मौका दिया, चल तू कर गा देखते हैं। और उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, 2 टेक में तो उसने पहला वाला जो था, सबसे पहला वॉक उसने 15 सेकेंड का बना के हमको फ्री कर दिया उसको। और उससे ये चीज़ की बात है कि जैसे ना, अभी वो कभी भी अपना है ना वीडियो देखती है ना, तो मतलब इतना खुश होती है, उसका मूड एकदम से मतलब फ्रेश हो जाता है। आप उसको एनी टाइम बोल दो वीडियो बनाने के लिए, वो इतना क्रेजी हो गई है वीडियोज़ के लिए, आप एनी टाइम उसको बोलोगे अपना वॉक बताओ वीडियो, वो रेडी रहती है। ऐसा नहीं, वो हर चीज़ में एक्टिव होती है, बोलने में, डांसिंग में, मतलब उसको लगता है कि हाँ मेरा भी वीडियो बने। ये बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, ये सब चीज़ें करवानी है। आप अपने बच्चों को आगे लेके जाइए, आपके बच्चे में आपको चेंजेस दिखे, वो चीज़ मुझे कायरा में दिखी है। ओके तो मैम, इसमें आपने कितना टाइम दिया, और आपको लगता है कि स्टडी पे कुछ इफेक्ट पड़ा होगा? जैसे हमारा मानना है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक पीरियड होता है ना। जैसे आपको कॉन्टेस्ट पता चला तो आपने कॉन्टेस्ट के लिए तैयारी करी, तो वो एक टाइम पीरियड के लिए था। हाँ बिल्कुल, मैं आपका बताऊंगी। देखो, आप बच्चे का सबसे पहले जो भी टाइम सेट करते हैं आप करते हैं, एग्जैक्टली राइट। तो आप अपने पूरे दिन में आप 1 घंटा या 2 घंटा बच्चे को पढ़ाते, आप वो चीज़ कट मत कीजिए, क्योंकि बच्चे को आप पूरे दिन में 1 या 2 घंटा पढ़ाएगा तो वो उसका रेगुलर ही चलेगा, वो कोई मिस नहीं होना है। आप उसको वो भी माइंड में डालिए, कायरा आपको पढ़ाई में भी फर्स्ट आना है और इन चीज़ों में भी फर्स्ट आना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ आप इशू बनाते हैं कि अगर बच्चा मॉडलिंग करता है तो पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद ने ध्यान दिया इस बात पे कि मैं कायरा को कुछ भी करवाती हूँ पहले उसके माइंड में, कायरा आपको पहले होमवर्क करना है उसके बाद ये करना है। और आप जैसा टाइम बोल रहे हैं, टाइम तो लगता है, देखो हमको अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। आप जैसे स्टेज आपने देखा, जैसे आपने फ्लावर देखे, ड्रेसअप देखा, सब मैंने हाथ से बनाया। फायदा और हुआ कि बच्चे के अभी टाइम में आजकल मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, ऑनलाइन गेम खेलने बैठ जाते हैं और अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, समय वेस्ट करते हैं। बल्कि इस प्लेटफॉर्म से हमको एक बेनिफिट ही मिला कि उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हम ला पाएँ, बजाय कि वो टाइम वेस्ट करें, अपने टाइम को यूज़ किया और सब चीज़ें जो उसने करने का चाहा, करने की कोशिश की, उतना कुछ उसके अंदर हुनर जो था वो और बाहर आया, बल्कि हमारा टाइम यूज़ हुआ, ये वेस्ट नहीं हुआ। बच्चे वेस्ट करते टाइम मोबाइल चलाए। और आजकल जो ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको कितना, 2 से 3 दिन में आप जो भी आप करना चाहें, जैसे मैं नाइट को बैठती थी इसकी
है, सब डिज़ाइन किया मैंने, उनका पूरा वॉक डिज़ाइन किया, कुछ नहीं था, फिर बैलून्स था, बैलून्स को लगाया, छोटे छोटे 20-30 पीस की बटरफ्लाई थी, सर ने जो थीम रखा था उस अकॉर्डिंग स्टेप टू स्टेप में करती गई, और पूरा मैंने स्टेप में सीरियसली बोल रही इसमें सिर्फ 300 से 400 का था, पर पूरा क्रिएटिव मेरे हाथ का था, हर चीज़ मैंने अपने हाथों से बनाई थी अपनी बच्ची के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे कायरा का इंटरेस्ट दिखा, कायरा में कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता हुआ दिखा, तो मुझे लग रहा था मुझे अपने बच्चे के लिए करना चाहिए। और फर्स्ट, बच्चे की पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप अपने बच्चे को समय से पढ़ाई पे बैठाएं और उसके माइंड में सेटअप डालें कि बेटा आपको अपना वर्क करना है उसके बाद सब, तो बच्चों में कोई चेंजेस नहीं है स्टडी के लिए। हरीश भी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैं जानता हूँ कि आपका एक बिज़नेस है और काफ़ी अच्छा खंडवा में माना जाना बिज़नेस है, तिरथानी रेडियोज़ के नाम से बॉम्बे बाज़ार में, तो आपका तो पूरा समय वहीं पे चला जाता है, तो आप अपनी बच्ची को टाइम कैसे दे पाते हैं, और आपको लगता है कि उसको आपका टाइम देना ज़रूरी है एज अ फादर? बिल्कुल, एज अ फादर हमारी पूरी पूरी समझदारी बनती है कि हम अपने बिज़नेस को उसके करियर पे इफेक्ट ना आने दें, अपने बिज़नेस हमारा पॉइंट बनता है कि हम उसको टाइम दें। जैसा भी टाइम निकलता था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट निकलता था, मैं और इमा दोनों मिलकर उसके लिए टाइम निकालते थे, और एक्स्ट्रा टाइम जो हम पार्टीज में खराब करते थे, जो हम कहीं मिलने जाते थे, वो हम कट ऑफ करके अपना टाइम बच्ची को दिया, और उस पर मेहनत करके उसने हमको सपोर्ट किया, तो ही हम उसको इतना अच्छा वीडियो बना पाए और उसने अपना हुनर सामने सबके दिखाया। और मैं आप सबसे ये सब कहना चाहूँगी, आजकल स्टडी भी चेंज हुआ है, उसमें कहा गया है कि स्टडी के साथ अगर बच्चे में कोई हुनर है तब उसको भी आगे लेके जा सकते हैं, तो आपको हर जगह पे सपोर्ट मिलता है, तो मैं बोलूँगी स्टडी के साथ आप जो बच्चे में इंटरेस्ट है आप उसको सपोर्ट कीजिए और आगे लेके जाइए। और आजकल का ट्रेंड ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है, सिर्फ बुक्स लेके बैठा है बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को हर चीज़ में एक्टिव कीजिए, हर बात में ऑलराउंडर बनाइए अपने बच्चे को। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, और ये चीज़ें मत बोली कि ये फैशन शो या कुछ भी या डांस या फालतू कुछ भी नहीं। आजकल आप देख रहे हैं 3 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची क्या डांस करती है, उनको देखिए हमें तब लगता है वाओ कितना अच्छा, तो आपका बच्चा भी कर सकता है, आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल करेगा, और प्रकाश मालिक हैं सबको आगे लेके जाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू हरीश भैया।